Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. और साथ में सुबह 8 बजे वाला सेशन भी देखा करो, वो भी आपके नॉलेज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे के ने निकोटिन को डैश के जहर के रूप में वर्गीकृत किया है. तो कौन से कैटेगरी के अंदर दोस्तों निकोटीन को डाल दिया गया कर्नाटक के द्वारा? दोस्तों ए श्रेणी के अंदर जो है इसको डाल दिया गया है. बड़ी बात है, और निकोटीन आपको मालूम है बहुत सारी चीजों के अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है कर्नाटक पॉइजन रूल 2015 के अंदर, और निकोटीन को क्लास ए पॉइजन के अंदर एड ऑन कर दिया है. रेल मंत्रालय ने अपनी सभी इकाइयों को डैश से एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोल दिया है दोस्तों अपनी सारी यूनिट को कि सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल का वो बैन कर देंगे. और कब से बैन करने के लिए कहा गया है दोस्तों, आप देख सकते हो कब से, 2 अक्टूबर 2019 से 50 माइक्रोन थिकनेस की जितने भी प्लास्टिक है होगी, ओके, उन सब के ऊपर बैन कर दिया जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जबकि आया महात्मा गांधी जी की जयंती है. ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. निम्नलिखित में से किसे पुष्किन पदक 2019 से सम्मानित किया गया है? पुष्किन मेडल 2019. देखिए जेएनयू के जो प्रोफेसर है दोस्तों मीता नारायण, उनको पुष्किन मेडल से सम्मानित किया गया है. ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी इंडियन स्कॉलर को दिया जाता है बाय द रशियन गवर्नमेंट. तो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है. आंसर क्या हो जाएगा, मीता नारायण आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में इसको देखा जा सकता है. अगला सवाल है, अब्दुल्ला हमदोक को डैश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है. तो अब्दुल्ला दोस्तों कौन से देश के प्रधानमंत्री है जो कि अभी बने हैं, ये आपको बताना है. तो दोस्तों अगर हम बात करें अब्दुल्ला की, तो ये कहाँ के, सूडान के जो है ये अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं. कहाँ के, सूडान के. तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके, न्यू प्राइम मिनिस्टर है जो कि इनको अपॉइंट किया गया है. सूडान की बात करें तो सूडान की जो कैपिटल है वो क्या है, खार्तूम वहां की कैपिटल है, और सूडानियन पाउंड है जो कि वहां की करेंसी है. प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताई दिया, अब्दुल्ला को बनाया गया है. अगला सवाल है, ऑप ब्लू फ्रीडम डैश से संबंधित है. तो अभी काफी न्यूज के अंदर था दोस्तों, ऑप ब्लू फ्रीडम ये क्या है ये आपको बताना है. ऑप ब्लू फ्रीडम क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है. आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे किरण रिजिजू और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन है बाउचिंग बूडिया, उन्होंने क्या किया है, ऑप ब्लू फ्रीडम है उसको लॉन्च किया है. ये एक इनिशिएटिव है जिससे क्या होगा कि जो हमारे आर्म्ड फोर्स के जो वेटरन है वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ठीक है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं. ठीक है, ताकि क्या हो सके, लोगों के अंदर भी काफ़ी फायदा मिले, और साथ में यहाँ पे क्या हो, उनको भी एक क्या मिल सके, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मिल सके. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, खेल के प्रति उत्साहित लोगों को सर्वाइकल परीक्षण प्रदान करने के लिए ऑप ब्लू फ्रीडम है जो कि लॉन्च किया गया है. ओके, ट्रेन किया जाएगा स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक को सर्वाइवल ट्रेनिंग के अंदर. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने डैश नाम से एक शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम है जो कि शुरू किया है. तो कौन सा कार्यक्रम है जो कि शुरुआत करी गई है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, निष्ठा इसका नाम है. क्या नाम है, निष्ठा. तो सी आपका सही आंसर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे निशंक, ओके. तो यहाँ पे नई दिल्ली में क्या किया गया है, निष्ठा नाम का जो एक नया इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है. मतलब क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट.
ओके, तो हेड और जो टीचर है स्कूल के, उनको एडवांसमेंट को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्शन इंडेक्स में टॉप किया है? तो इस इंडेक्स के अंदर सोलर रूफटॉप अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, जिसके अंदर टॉप किया गया है, ये किसने किया है? कर्नाटका ने टॉप किया है, तो बी आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हो कर्नाटका के जो पावर मिनिस्टर आरके सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स सरल नई दिल्ली के अंदर, और फर्स्ट रैंक के ऊपर ये रहे हैं, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे गुजरात। कर्नाटका की बात करें तो कभी कौन है, येदुरप्पा वहां पे सीएम है और वज्जूभाई वाला वहां पे गवर्नर है। अगला सवाल है, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग सूचना दाताओं के लिए डैश तक के इनाम की घोषणा करी है। तो दोस्तों, जो इनसाइड ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो कोई गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसके लिए सेबी ने दोस्तों एक अनाउंसमेंट किया है कि 1 करोड़ तक का इनाम है जो कि अनाउंस किया है। ठीक है, 1 करोड़ तक का इनाम है जो कि यहाँ पे सेबी के द्वारा बोला गया है। ओके, ठीक है, और साथ में सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी जो कि अभी सेबी के हेड है। निम्नलिखित में से किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनाया गया? राजीव जी को बनाया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी राजीव गुबा, वो नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर 1982 के, झारखंड बैच के। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द डायरी ऑफ मनु गांधी पुस्तक लॉन्च करी है? द डायरी ऑफ मनु गांधी, ये किताब किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इस किताब की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रहलाद सिंह पटेल आपका सही आंसर हो जाएगा। मनु गांधी दोस्तों ग्रैंड नीज है किसके? महात्मा गांधी के, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उसके साथ में भी रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड द ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये था आज सेशन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वाईफाई स्टडी के सारे कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं, तो कूपन कोड वाईफाई स्टडी लगा के आप 10% ऑफ भी पा सकते हैं। इसके अलावा सुबह 8 बजे वाले सेशन में फिर से मिलेंगे और काफी नई इन्फॉर्मेशन है जो कि देखेंगे आपके नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।